भाग भारतीय पुलिस उतार कर फेंक दो ये वर्दी और बैंड में पसंद जाएगा पट्टा अपने घर में यू बास्टर्ड और माय बट माय बट अंधेर नगरी है ये बस ऐसे गरीब कमजोर लोगों पर दिखा अपनी मर्दानगी वर्दी का रोग इन्हीं के हाथों को बांध सकती है तुम्हारी हथकड़ियां बलवंत राय के नहीं बोटियां फेंकेंगे बोटियां। करियर की कई ऐसी फिल्में हैं जिन्हें लेकर अब ये कहा जा रहा है कि इन फिल्मों के सीक्वल बनने जा रहे हैं। जो यहाँ आपको बता दें कि राजकुमार संतोषी के डायरेक्शन में बनी 1996 में घातक फिल्म का सीक्वल बनने जा रहा है और खबरें सामने आ रही हैं कि एक बार फिर से इस फिल्म में सनी देओल लीड रोल करते हुए नजर आएंगे और इस फिल्म में उनका साथ देते हुए नजर आने वाले हैं उनके बेटे करण देओल। डेनी डेंजोंगपा इस फिल्म में एक कैमियो रोल करते हुए नजर आने वाले हैं और राजकुमार संतोषी इस फिल्म की स्क्रिप्ट पर एक बार फिर से काम करने वाले हैं। इतना ही नहीं, ऐसा भी कहा जा रहा है कि लीड एक्ट्रेस के तौर पर इस फिल्म में रवीना टंडन को साइन किया गया है। जी हां, सालों पहले जब यह फिल्म बन रही थी तब भी रवीना को साइन किया गया था, लेकिन रवीना ने किसी कारण की वजह से इस फिल्म को छोड़ दिया था। पर अब फाइनली रवीना टंडन एक बार फिर से सनी देओल के साथ काम करने की तैयारियों में जुट चुकी है। घातक 2 सनी देओल के करियर की सबसे ज्यादा हिट फिल्म मानी जाती है और इस फिल्म में सनी देओल ने काशीनाथ का किरदार निभाया था, जिसे लोगों ने काफी ज्यादा पसंद भी किया था। वेल, सनी देओल की फिल्म घातक 1996 में जब आई थी तब इस फिल्म ने कई सारे बॉक्स ऑफिस रिकॉर्ड तोड़े थे और अब एक बार फिर से ऐसा कहा जा रहा है कि घातक 2 भी कई सारे रिकॉर्ड तोड़ते हुए नजर आने वाली है। ये फिल्म उस साल बनी थी 6 करोड़ के बजट में और इस फिल्म ने लगभग 85 करोड़ की कमाई की थी और ऐसे में कहा जा रहा है कि इस बार इस फिल्म का बजट 100 करोड़ से ज्यादा का होने वाला है। तो ये तय है कि इस फिल्म का काफी शानदार बॉक्स ऑफिस रिकॉर्ड भी बनने वाला है। वेल दोस्तों, आपको बता दें कि इस फिल्म में कई सारे सुपरहिट साउथ फिल्म के अभिनेता भी आपको देखने को मिल सकते हैं। फिलहाल आप कमेंट करके बताइए कि फिल्म घातक 2 को लेकर आपका क्या कहना है। खबरें हैं कि ये फिल्म बड़े पर्दे पर आपको अगले साल तक देखने को मिल जाएगी और इस साल से ही इस फिल्म की शूटिंग भी शुरू हो जाएगी।